गुड आफ्टरनून ऑल। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं। तो सुबह जो क्लास हुई है मॉर्निंग में, उसमें हम बात कर रहे थे लेवलिंग की। लेवलिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोर्थ साइड, बैक साइड और इंटरमीडिएट साइड क्या है। एक बार और डिस्कस करेंगे उसको, बैक साइड फोर्थ साइड, और उसके बाद आगे चलते हैं। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, फिर आप लोगों से पूछूंगा कि कौन सी बैक साइड है और कौन सी फोर्थ साइड है। जी एल का मतलब होता है आपका ग्राउंड लेवल। मैं इसको कर लेता हूँ शेयर, ठीक है। जी एल ग्राउंड लेवल, यहाँ पर एक स्टाफ रखा हुआ है, एक स्टाफ यहाँ पर है। स्टाफ होता है जिसके ऊपर रीडिंग्स होती हैं। एक स्टाफ यहाँ पे रखा हुआ है। इस ग्राउंड की हमें मेजरमेंट करनी है, लेवलिंग करनी है। अच्छा, इसमें एक चीज हो रहा है कि जो मैंने स्टाफ रखे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस जो इनके बीच की डिपेंड करती है आपका प्रोजेक्ट कैसा है, आप कैसे किस तरह की लेवलिंग चाहते हो। आप खुद ही सोचो, अगर पास पास हम पॉइंट लेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट हम प्रोफाइल बना पाएंगे ग्राउंड की, बिल्कुल एक्यूरेट। और जितना दूर लेंगे उतना ही वो रफ होता जाएगा, है ना। तो डिपेंड अपॉन प्रोजेक्ट और डिपेंड अपॉन फील्ड कि किस तरह का फील्ड है। देखने में लग रहा है कि बिल्कुल ही फ्लैट है, थोड़ा बहुत लेवलिंग है कि जरूरत है तो दूर दूर रख लिए, पता चला बहुत इरेगुलर ग्राउंड है तो पास पास पॉइंट रख लिए। उस पर डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे और टाइप ऑफ लेवलिंग में कितनी एक्यूरेसी आप चाहते हो। तो स्टाफ की डिस्टेंस होती है, ठीक है। अब हो गया हमारा स्टेशन। यहाँ पे स्टेशन है ए और एक स्टेशन है यहाँ पे बी, एक स्टेशन है यहाँ पे सी, और यहाँ पे एक स्टेशन सी है तो यहाँ पे एक स्टाफ भी होगा, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं लेवल। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम ही लेवल होता है, ट्राइपोड के ऊपर रखा होता है, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट बी पे है हमारा, ट्राइपोड के ऊपर रखा है। एक इंस्ट्रूमेंट हमारा सी के ऊपर है, मतलब इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हम यूज नहीं कर रहे, एक ही इंस्ट्रूमेंट को ए से उठाया, फिर बी पे रखा, फिर सी पे रखा, ठीक है। ये है हमारा बेंचमार्क। बेंचमार्क वो मार्क होता है, वो एलिवेशन पॉइंट होता है जिसका आरएल हमें ना पता होता है। आरएल क्या होता है? रिड्यूस लेवल। वो जिसका हमें पता होता है कि हमारा जो फिक्स बेंचमार्क है, समुद्र तल जो है, मीन सी लेवल है, उससे वो किस हाइट पे है, उस पॉइंट का आरएल हमें पता है, तो इसका मतलब वो हमारा बेंचमार्क हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट बेंचमार्क है। इस बेंचमार्क को हमने देखा, इसको देखा, इसको देखा, ये जो स्टाफ है इनको भी हम रीडिंग वो दे देते हैं, नाम दे देते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। ये हो गया। किसी भी ग्राउंड, दोबारा से सुन लो, किसी भी ग्राउंड का हमें प्रोफाइल बनानी है, एक मैप में प्रोफाइल बनानी है कि ग्राउंड कहाँ से ऊंचा है, कहाँ से नीचा है। तो उस ग्राउंड पे हर पॉइंट का हमें, वो पॉइंट कितनी दूरी पे होंगे डिपेंड करता है एक्यूरेसी और प्रोजेक्ट के ऊपर कि उन पॉइंट के बीच में रिलेटिव हाइट कितनी है, ठीक है। और जब किसी ग्राउंड का हम लेवलिंग स्टार्ट शुरू करते हैं, लेवलिंग का मतलब हर पॉइंट की हाइट पता करते हैं, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट भी चाहिए होता है, जो टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, जैसे हम बेंचमार्क मानते हैं। उसके रेफरेंस से हम सारे पॉइंट का हाइट निकालते रहते हैं, रिलेटिव हाइट, ठीक है। और वो हम पे भी पता जाता है ग्राउंड की प्रोफाइल की। जब मैं हम किसी पेपर पे ड्रॉ करेंगे उस हाइट के अकॉर्डिंग, तो एक प्रोफाइल हमें, जो लाइन है ना, जैसे लाइन जो दिखाई दे रही है आपको ब्लैक कलर की ग्राउंड की, इस तरह से हमें पेपर पे मिल जाएगी और हमें पता चल जाएगा कहाँ पे हमें मिट्टी को कट करना है और कहाँ पे हमें फिलिंग करना है। ये है इसका प्रैक्टिकली। तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। अब मान लो जैसे कि यहाँ पे ये जो है, यहाँ से ये आ रहा है 1.1 मीटर, बेंचमार्क जो है ये हाइट है 1 मीटर,
ये, और यहाँ पर जब हमने दूसरे स्टाफ को देखा तो यहाँ पे आ रहा है 1.2 मीटर। आपको दिख ही रहा होगा जो दूसरा वाला पॉइंट नंबर 2 है वो थोड़ा सा बेंचमार्क से नीचे है। तो रिलेटिव हाइट क्या हो गया इन दोनों में, डिफरेंस कितना हो गया, इनमें डिफरेंस हो गया 0.2 मीटर का। इसी तरह यहाँ पे 1.2 आ रही है और यहाँ पे आ रही है 0.8 हाइट। 0.8 ये किस पे लिखा हुआ है, 0.8 स्टाफ के ऊपर जो हमने टेलीस्कोप से देखा है। अब इन दोनों 2 और 3 पॉइंट के बीच में रिलेटिव डिफरेंस कितना हो गया हाइट का, 0.4, 0.4 मीटर। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि ग्राउंड की प्रोफाइल कैसी है, एक दूसरे से पॉइंट कितने हाइट और कितने डेप्थ पर है। ये तरीका है। अब इसमें आपको बताना है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ और स्मॉल जी। अब मुझे अंकित तुम बताओ, अंकित है, यस सर। मुझे बताओ ये जो एफ पॉइंट है, एफ स्मॉल एफ, ये कौन सी साइट है, बैक साइट है, फोर साइट है, इंटरमीडिएट साइट है। सर सी सी से बैक साइड है। बैक साइड है क्योंकि हम फोर्थ वाले पॉइंट को जहां पे स्टाफ रखा है उसको दोबारा देख रहे हैं, है ना, है ना, यस सर है ना, क्योंकि हमें जिस पॉइंट का आरएल नॉन है, रीडिंग जिसकी नॉन है उसको दोबारा देख रहे हैं हम, भले ही रीडिंग अलग आ रही है लेकिन उसको दोबारा देख रहे हैं, तो उसको बोलेंगे बैक साइड। जब बी पे हमारा इंस्ट्रूमेंट था यहाँ बी पर और हम इसको फोर्थ पॉइंट को देख चुके हैं, रीडिंग आई है ई, हम दोबारा उसको सी से देख रहे हैं, तो ये हो गया क्योंकि इसकी रीडिंग हमें पहले से पता है, तो ये हो गया हमारा बैक साइड। ठीक है, आशीष है, आशीष बताए मेरे को जी, स्मॉल जी क्या है, यस सर। स्मॉल जी बताओ। फोर्थ साइड, फोर साइड, क्योंकि ये लास्ट रीडिंग है फोर्थ ना। साइड सर, हाँ फोर साइड, ठीक है। यस सर। ये समझ में इसलिए आना चाहिए सारा न्यूमेरिकल ना, सब मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि जो बड़ा न्यूमेरिकल ज्यादा मार्क्स का आता है वो इस टॉपिक में से आता है, लेवलिंग करना ग्राउंड की, आपको पॉइंट्स दिए हुए मेथड से हम आगे पता चल जाएंगे। उसमें अगर बैक साइड फोर साइड में कंफ्यूजन हुई तो न्यूमेरिकल हो ही नहीं सकता वो, ठीक है। तो अब मेरे को बताए सी पॉइंट, कौन बताएगा, जतिन, जतिन बताए मेरे को सी यस पॉइंट, सी पॉइंट बताए क्या है। सर, बताओ जतिन। वो जी के बीच में था। हाँ सर, क्या कह रहे हो, चलो कोई किसी और से पूछता हूँ मैं। तानिया, तानिया आईएस होगी, आईएस क्यों होगी सर, वो एक मतलब बीच में आ रही है ना ना, आईएस का मतलब बीच में आना नहीं है। देखो जो थर्ड पॉइंट सर, है, इंटरमीडिएट हो, देखो सुनो, जो थर्ड पॉइंट है जिसपे स्टाफ रखा हुआ है उसे देखने के बाद हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को उठा लिया वहां से ए से, और हम इंस्ट्रूमेंट को उठा के कहाँ हाँ रखा हमने, सर, बी पे। तो मैंने कहा है कि इंस्ट्रूमेंट से जहां पर रखा हाँ हुआ है सर, वहां से लास्ट रीडिंग जो ली होगी वो क्या होगी, फोर साइट। ठीक है, इसको ध्यान रखना, यस सर, इंस्ट्रूमेंट जहां रखा हुआ है और वहां से जो लास्ट रीडिंग देखी है आपने और फिर वहां से इंस्ट्रूमेंट उठा ले उसके बाद, तो वो हो गई फोर साइट, और जिसका आर एल हमें नॉन है वो हो गई बैक साइड। अब इंटरमीडिएट साइड कौन सी है ये बताएगा मेरे को, विनय कुमार मिश्रा,
विनय जरा बताओ इंटरमीडिएट साइट कौन सी है? हाँ उसके यहाँ से एक और रखे हैं बट पहले मेजर तीन हैं तो ये फोर हो गई। अभी यहाँ इंस्ट्रूमेंट उठा लिए आगे रख के बस ये बता दो ना स्मॉल ए बी सी डी ई एफ जी में से कौन सा इंटरमीडिएट है? चलो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ आप फिर बताना मेरे को ठीक है। अगर हम किसी नॉन आरएल को पॉइंट को देखते हैं तो वो होती है बैक साइड, लास्ट रीडिंग होती है फोर साइड, उसके अलावा जो भी रीडिंग होगी वो होगी इंटरमीडिएट साइड। चलो कोई बात नहीं मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैं सारी चीज बता देता हूँ। ए पॉइंट जो है ए पॉइंट हाँ ठीक है मैं बता रहा हूँ। जो ए पॉइंट है स्मॉल ए जिसपे मैं टिक कर रहा हूँ ये हम उस स्टाफ को देख रहे हैं जो बेंचमार्क है जिसका हमें रीडिंग पता है पहले से कि समुद्र तल से वो कितनी ऊंचाई पे है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बैक साइड क्योंकि हमें पहले से उसकी रीडिंग पता है और हम उसको देख रहे हैं बैक साइड। अब आते हैं हम बी पर। बी पर हम बी जो है वो टू वाले स्टाफ की रीडिंग है और उसके बाद हमने थ्री को देखा यानी कि जो टू वाला है उसका आरएल हमको नहीं पता है तो उसका मतलब बैक साइड नहीं है। टू के बाद हम थ्री को देख रहे हैं यानी कि हम स्टाफ अपने इंस्ट्रूमेंट को नहीं उठा रहे हैं वहां से। बी के बाद सी को देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी इंटरमीडिएट साइड क्योंकि ना ही इसका आरएल पता है तो बैक साइड तो होगा नहीं और ना ही ये लास्ट रीडिंग है तो ये बैक साइड नहीं होगा तो ये क्या बचा इंटरमीडिएट। अब आते हैं सी पर क्योंकि सी रीडिंग को देखने के बाद हमने इंस्ट्रूमेंट उठाकर बी पे रख दिया है तो ये क्या हो जाएगी आपकी फोरसाइट क्योंकि ये इस ए स्टेशन की लास्ट रीडिंग है, ए स्टेशन की लास्ट रीडिंग है। अब आ गए हम बी पे इंस्ट्रूमेंट रख दिया हमने, बी से हम देख रहे हैं थ्री को यानी कि जो स्मॉल डी है ये जो साइट है यानी कि इसका आर एल तो हम निकाल चुके हैं दोबारा इसको देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी बैक साइट। फिर हमने इस इंस्ट्रूमेंट से देखा ई को और ई को देखने के बाद इंस्ट्रूमेंट को उठा के रख दिया सी पर क्योंकि आगे तो हम देख ही नहीं रहे ना। ई पे देखा, ई पे देखने के बाद इंस्ट्रूमेंट को उठा के सी पे रख दिया तो इसका मतलब ये क्या हो गया लास्ट रीडिंग बी स्टेशन की तो ये हो गई फोरसाइट। अब इंस्ट्रूमेंट आ गया हमारा सी पर और हम फोर्थ पॉइंट को दोबारा देख रहे हैं क्योंकि पहले भी देख चुके हैं तो ये है हमारा बी सी ठीक है बैक साइड बी एस होगा ठीक है। और जो फिफ्थ पॉइंट है स्टेशन से सी स्टेशन से उसको देखा फिफ्थ को और हमारा सर्वे खत्म हो गया तो लास्ट रीडिंग है ये है फोर्थ साइड। तो आप देखो इसमें कितने सारे इसमें एक ही इंटरमीडिएट साइट है और इसमें बैक साइट है फोर्थ साइट है इस तरह से। आप कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। चलो अभी बताता हूँ। हेलो हाँ सर नॉइज वाला हाँ जा रही है कब है? चलो मैं सर अभी लेक्चर चल रहा है मैं बात करता हूँ आपके पास लेक्चर खत्म होते। चलो ठीक है तो मैं इसको इंटरमीडिएट को दोबारा समझाता हूँ एक डायग्राम से। ये आपका है ग्राउंड प्रोफाइल केवल इसमें इंटरमीडिएट में ज्यादा दिखाऊंगा समझाने के लिए। ये रखा हुआ इंस्ट्रूमेंट और ये है हमारा स्टाफ एक दो और ये है हमारा तीन स्टाफ
ये है हमारा बेंचमार्क। हमने बेंचमार्क को देखा, हमने इसको देखा। फर्स्ट आपको इनको पॉइंट दे देते हैं, ए बी सी डी। हमने सी को देखा, हमने डी को देखा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ए स्टाफ रखा है उसकी रीडिंग हमें पहले से नॉन है, वो बेंच मार्क है, तो ये हो गई बैक साइड। हमने बी को देखा, बी के बाद हम सी को देख रहे हैं, यानी बी लास्ट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी इंटरमीडिएट साइड। बी से हमने फिर सी को देखा और सी भी लास्ट नहीं है हमारी, सी के बाद डी को भी देख रहे हैं हम, वहीं पर इंस्ट्रूमेंट वहीं पर फिक्स है अभी, तो ये भी हो गई हमारी इंटरमीडिएट साइड। अब हमने इंस्ट्रूमेंट को डी को देखा, क्योंकि डी के बाद हम कुछ भी साइट नहीं कर रहे हैं, कोई और स्टाफ नहीं है, तो इसका मतलब डी जो पॉइंट है वो लास्ट रीडिंग है, तो वो हो गई फोर्थ साइट। अगर डी के बाद एक और स्टाफ रखा होता ई और उसको भी हम देख रहे होते, तो हमारा ये वाला पॉइंट भी बन जाता इंटरमीडिएट और वो लास्ट वाला बन जाता फोर्थ साइट। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये सब बता चुका हूं मैं कि बैक फोर्थ साइड क्या होती है, इंटरमीडिएट साइड क्या होती है, चेंजिंग पॉइंट क्या होता है। आप देखो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इस पूरे लेवलिंग के प्रोसेस में दो तरह दो चीजें यूज होती है हमारी। लेवल जो है, जो इंस्ट्रूमेंट है ट्राइपॉड के साथ, इस पूरे कॉम्बिनेशन को बोल देंगे लेवल। और एक है आपके पास स्टाफ जो दूसरा एम्प्लॉय लेके खड़ा हुआ है, इसके नीचे पैक लगाया हुआ है बैलेंस के लिए या सही ले पॉइंट लेने के लिए, लगाते भी हैं कुछ लोग, नहीं भी लगाते, ठीक है। तो हमारे पास दो मेन चीजें हो गई, एक तो हो गया लेवल, ये है आपका लेवल, और ये है आपका स्टाफ। दो चीजें चाहिए होती हैं लेवलिंग करने के लिए। अब हो सकता है लेवल भी आपके डिफरेंट टाइप के हों, लेवल यानी कि इंस्ट्रूमेंट, और आपका हो सकता है जो लेवलिंग स्टाफ है वो भी डिफरेंट टाइप के हों। अभी दिया हुआ है टाइप्स ऑफ लेवल, तो लेवल इंस्ट्रूमेंट यूज टू फर्निश हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट फॉर ऑब्जर्विंग स्टाफ रीडिंग एंड डिटरमाइनिंग आरएल। सिंपल कह रहा है कि जो लेवल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करता है, वो हॉरिजॉन्टल साइट देता है हमें, किसके ऊपर, स्टाफ के ऊपर देखने के लिए टेलीस्कोप से, जिससे हम स्टाफ के ऊपर रीडिंग देख सकें और उस पॉइंट का आरएल निकाल सकें। आरएल यानी कि बेंचमार्क से किस लेवल पे है वो। टाइप्स ऑफ लेवल, डंपी लेवल, टिल्टिंग लेवल, वेन लेवल, ऑटोमेटिक लेवल। लेवल का मतलब है ट्राइपॉड के ऊपर जो एक टेलीस्कोप रखा हुआ है पीले कलर का इंस्ट्रूमेंट है, उसको लेवल बोलते हैं, ठीक है। अभी चार तरह के लेवल हैं, डंपी, टिल्टिंग, वेन, ऑटोमेटिक। ज्यादातर जो आपसे पूछा जाएगा ना डिफरेंस मैक्सिमम, वो इन दोनों का पूछा जाएगा, इन दोनों की डेफिनेशन, डंपिंग एंड ऑटोमेटिक लेवल। डंपिंग लेवल, डंपी लेवल इज अ सिंपल कॉम्पैक्ट एंड स्टेबल इंस्ट्रूमेंट, द टेलीस्कोप इज रिजिड फिक्स्ड, इट्स सपोर्ट हैंस कैन नॉट रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। डेफिनेशन से नहीं समझ में आएगा, ये आएगा फिगर से समझ में। तो ये है आपका डंपी लेवल, ये आपका टेलीस्कोप है, इसमें बहुत सारे स्क्रू हैं, इसको यहाँ पे जो बेस प्लेट है ये इस शेप की आपकी ट्राइंगल, यहाँ पे एक दिखाई दे रहा होगा होल, इस होल पे यहाँ पे स्क्रू लग के टाइट हो जाता है नीचे से ट्राइपॉड के ऊपर। अब इसमें क्या होता है डंपी लेवल में, आप देखो कि टेलीस्कोप इस एक्सिस पे तो घूम जाएगा, यानी कि अगर ए पॉइंट है और बी पॉइंट है और आपका टेलीस्कोप यहाँ है, तो आप ए को देखोगे फिर रोटेट करके बी को भी देख सकते हो, ठीक है। बट अगर आपका ए पॉइंट ये है ले हाइट के अकॉर्डिंग, बी पॉइंट ये है और आपका स्टाफ ये है लेवल, तो आप ए को देख लोगे बी को नहीं देख पाओगे, बी के लिए क्योंकि इस एक्सिस पे इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो ये वही कह रहा था डेफिनेशन में कि हमारा जो टेलीस्कोप है वो फिक्स है, वो रोटेट नहीं हो सकता हॉरिजॉन्टल प्लेन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन क्या होता है इसको समझ लो, ये क्या है वर्टिकल,
वर्टिकल हाइट यही बोलेंगे इसको, इसके अलोंग रोटेट हो रहा है अगर टेलीस्कोप, यानी कि इस तरह से टेलीस्कोप हम इस तरह से भी कर सकें, इस तरह से भी कर सकें, ठीक है, इसको वर्टिकल प्लेन नहीं बोलेंगे क्योंकि रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन के हो रहा है। अभी प्रैक्टिकली मैं इंस्ट्रूमेंट होता तो बता देता, क्योंकि जो ये जो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है, इस पॉइंट पे सीधी लाइन खींचोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट रोटेट हो रहा है तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसलिए वो डेफिनेशन में कह रहा है कि जो डंपी लेवल है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट रोटेट नहीं होता, फिक्स होता है, ठीक है। आप वर्टिकली तो घुमा सकते हो उसको, जैसे मैंने बताया, हॉरिजॉन्टली नहीं घुमा सकते, ये है इसमें बस डिफरेंस। यहां से आप अपनी आंखों से देखते हो और यहां से आप ऑब्जेक्ट को देखते हो, ये आई पीस होता है, ऑब्जेक्टिव पीस होता है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बता दूंगा मैं, ये लेवलिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये फोकस के लिए होते हैं, ये बबल को सेंटर में लाने के लिए होते हैं, आगे इसका डिस्कशन होगा। एक आपका डंपी लेवल ये है, दो तरह के डंपी लेवल से दिखाएंगे, ये नया वाला डंपी लेवल है, पुराना पहले इस टाइप का होता था यूज, वो वाला डंपी लेवल है। नेक्स्ट है टिल्टिंग, सेम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टिल्टिंग लेवल वो लेवल होता है जो थोड़ा बहुत टिल्ट हो जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, जबकि हमारा डंपी लेवल बिल्कुल भी रोटेट नहीं हो सकता था, फिक्स था। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो स्क्रू है, अगर इस स्क्रू को टाइट या लूज करोगे तो ये ऊपर नीचे जा सकता है, हल्का सा टिल्ट हो सकता है ऐसे, ठीक है, ऐसे टिल्ट हो जाएगा ऊपर नीचे, यहाँ थोड़ा सा गैप भी दिया हुआ है, तो टिल्टिंग इसे कर सकते हैं हम, इसलिए हम बोलते हैं इसे टिल्टिंग लेवल, पर डंपी लेवल में फिक्स होता है, टिल्ट नहीं हो सकता। वेन लेवल किसे बोलते हैं, डेफिनेशन नहीं पढ़ते, फिगर से समझते हैं, क्योंकि ये दो सपोर्टेड होता है, दो चीजों पे सपोर्ट होता है, इसलिए इसको वेन बोलते हैं यहाँ पे, और इसको टिल्ट भी हम कर सकते हैं दो सपोर्ट की हेल्प से, इसको वेन लेवल कहते हैं। ऑटोमेटिक लेवल क्या होता है इसको भी समझ लो, जो आपका टेलीस्कोप के अंदर लाइन ऑफ साइट है ना, इसको भी बैलेंस करना होता है बिल्कुल, इसको प्लेन के हॉरिजॉन्टल प्लेन के और वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर रखना होता है, तो जो आपका लेवल है उसमें कुछ स्क्रू होते हैं जिनसे आप उसको बैलेंस करोगे, लेकिन ऑटोमेटिक लेवल में ऑटोमेटिक हो जाता है, इसके अंदर कुछ ऐसा डिवाइस लगा होता है जो ऑटोमेटिक बैलेंस कर लेता है। ये भी आप इंस्ट्रूमेंट हाथ में होगा और डिटेल में इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे जब पता चल जाएगा। तो चार तरह के लेवल होते हैं, ऑटो लेवल, डंपी लेवल, टिल्टिंग लेवल और ऑटोमेटिक लेवल। ये है ऑटो लेवल, यही ज्यादातर आपको दिखाई देगा बाहर फील्ड में, और हमारे पास भी लैब में यही वाला इंस्ट्रूमेंट है ऑटो लेवल। ये इसके पार्ट्स हैं, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं लेवलिंग स्टाफ, जो एक रोड लेके खड़ा होता है ना, इसके ऊपर आपका मार्किंग होती है, इसको आप पढ़ लेना, इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास होते हैं लेवलिंग स्टाफ जो होते हैं, दो तरह के होते हैं जिनके ऊपर डिस्टेंस मेजर की होती है, एक होता है सेल्फ रीडिंग, एक होता है टारगेट। सेल्फ रीडिंग का मतलब है जब आप टेलीस्कोप से वहाँ पे देखोगे कि आपका जो क्रॉस हेयर है वो आपका कहाँ कॉन्साइड कर रहा है, फिर आप वहाँ पे देखोगे कितना मीटर लिखा हुआ है, काउंट करोगे नंबर ऑफ लाइन, आप पता लगा लोगे अपने आप रीड करके कि कितना मीटर आ रहा है। टारगेटिंग में क्या होता है कि उसको एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये सब स्टाफ के बारे में, फोल्डिंग कैसा होता है, ये सब आप पढ़ लेना, इसमें कुछ खास नहीं आता भी नहीं है ज्यादा, ये पॉइंट मेन है, या आता है थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जाता है। बेंचमार्क, बेंचमार्क इज ए पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन, फोर टाइप के बेंच होते हैं, बेंचमार्क इज ए पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन। अगर किसी के मन में अभी भी डाउट हो तो दोबारा मैं बताता हूँ कि समुद्र तल से ग्राउंड पे, जमीन पर कोई पॉइंट है, वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, उसको बोलते हैं हम बेंचमार्क, ठीक है। किसी भी पॉइंट का अगर हमें पता है कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है, तो वो हमारा नॉन पॉइंट हो गया, वो बेंचमार्क हो गया। चार तरह के बेंचमार्क होते हैं, GTS ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क, आर्बिट्रेरी बेंचमार्क, टेम्परेरी बेंचमार्क, इनको समझ लेते हैं। GTS बेंचमार्क, GTS बेंचमार्क का मतलब है दे आर द बेंचमार्क एस्टेब्लिश्ड विद वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ रेगुलर इंटरवल
बाय द सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें होता क्या है कि इंडिया में सर्वे होता है, ठीक है, हर कुछ सालों बाद। तो उस सर्वे के अकॉर्डिंग बड़ा प्रिसाइजली हमें लेवलिंग करने के बाद हम पूरे इंडिया में कुछ पॉइंट एस्टेब्लिश करते हैं कि ये हमारा समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पे है, ठीक है। जैसे रेलवे स्टेशन पे आप देखोगे किसी बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो परमानेंट स्ट्रक्चर है, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, वहाँ पे हमारा बेंचमार्क होते हैं। तो पहले जो हमारा ये जो मीन सी लेवल लिया जाता है कराची से लिया जाता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लेकिन अब वो कहाँ हो गया, बॉम्बे हाई में हो गया है, जहाँ से हम ये क्या कहते हैं मीन सी लेवल का रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो GTS वो हो गया जो इंडिया में गवर्नमेंट सर्वे करवाती है और उससे जो बेंचमार्क एस्टेब्लिश किया जाता है परमानेंट जगहों पर, इस टाइप के बेंचमार्क होते हैं। दोबारा से रिपीट करो जरा। मान लो आप किसी हिली एरिया में, वो हिल एरिया जो है वो 5000 फीट कह रहे हो, 5000 फीट ऊपर है समुद्र तल से, ठीक है। अब वहाँ पे हमें ग्राउंड पे सर्वे करना है लेवलिंग, है ना। पांच हजार कर लेंगे उसको फीट, मैं बता रहा हूँ आपको जो बेंचमार्क है उस पे जब आप बेंचमार्क पे स्टाफ रखोगे, इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये है आपका ये और हिली एरिया और ये है समुद्र तल, ठीक है। ये डिस्टेंस है 5000 फीट, ये बेंचमार्क है, ठीक है। मान लो ये 5000 फीट यहाँ तक है, इस बेंचमार्क पे स्टाफ हमने रखा और हमने अपने इंस्ट्रूमेंट से इस पे रीडिंग देखी, तो इस पे रीडिंग तो आएगी मान लो 2 मीटर आ रही है, तो इसका जो RL होगा, इस पॉइंट का RL होगा वो 5000 फीट प्लस 2 मीटर होगा इस पॉइंट का, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो एक और पॉइंट रखा है स्टाफ, उस पे आ रही है 2.1 मीटर, ठीक है, है ना। अब देखो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अब हर चीज में हर रीडिंग में 5000 फीट ऐड कर लो या मत करो, कुछ फर्क पड़ेगा। कंसीडर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, जीरो मान के चलते हैं वैसे, है ना। मान लो हम इन दोनों पॉइंट का ए और बी का रिलेटिव हाइट निकालें, तो भले ही इसमें हम 5000 ऐड कर दें और इसमें भी करना पड़ेगा फिर, तो रिलेटिव हाइट तो हमारी 0.1 मीटर आएगी माइनस करने पर, है ना, ठीक है। एज्यूम कर लेते जब हमें पता नहीं, फायदा नहीं है सर करके, हाँ कोई फायदा नहीं क्योंकि हमें तो रिलेटिव हाइट बतानी है, ठीक है। तो बेंचमार्क की बात कर रहे थे, 4 बेंचमार्क होते हैं इसमें, होता है एक जीएसटी जो आपका जीटीएस बेंचमार्क जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्वे करती है और एस्टेब्लिश पॉइंट करती है वाली प्रिसाइजली लेवलिंग करने के बाद। फिर होता है एक परमानेंट बेंचमार्क, द परमानेंट बेंचमार्क फिक्स इन बिटवीन जीटीएस बेंचमार्क बाय गवर्नमेंट इन सच एज रेलवे पीएडब्ल्यू। मान लो जो जीटीएस है वो 100 किलोमीटर पे बेंचमार्क लगा हुआ है हर 100 किलोमीटर में, अब वो 100 किलोमीटर के बीच में है ना, उनको रेफरेंस मान के जो 100 किलोमीटर पे जीटीएस लगा हुआ है, कुछ हम और परमानेंट बेंचमार्क लगा देते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट के, ऐसे स्ट्रक्चर के सामने जो हमारा परमानेंट है, जैसे कि रेलवे स्टेशन, पीडब्ल्यूडी, कुछ ऐसे जो स्ट्रक्चर है वहां पे हम लगा देते हैं, या माइलस्टोन है या कलवर्ट है या ब्रिज है, वहां पे हम बेंचमार्क लगा देते हैं। रेफरेंस कहाँ से लेते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्वे करके जीटीएस मार्किंग की है, तो 100 किलोमीटर में एक हुआ अराउंड इतना ही होता है। अब 100 किलोमीटर में हो गया और तुम कहीं पर सर्वे कर रहे हो तो तुम 100 किलोमीटर दूर थोड़ी जाओगे, तो बीच बीच में भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, मान लो रोड बनानी है तो 100 किलोमीटर दूर थोड़ी ना जाओगे उससे रेफरेंस लेने के लिए, तो बीच बीच में भी कुछ आपके परमानेंट बेंचमार्क होते हैं, जिस तरह से दिया हुआ है।
अब दो आपके बेंचमार्क बचे हैं, एक होता है आर्बिट्रेरी, एक होता है टेम्परेरी। आर्बिट्रेरी में क्या होता है, दीज आर रेफरेंस पॉइंट हुज आर एल आर आर्बिट्रेरी एज्यूम, दे आर एज्यूम दे आर यूज टू स्मॉल वर्क सच एज बेंचमार्क मे बी एज्यूम 100 or 50 meter। होता क्या है, जैसे कि हम जब करवाते थे ना स्टूडेंट्स को, जो आपका कॉलेज का स्टेडियम है, जब उसमें हम लेवलिंग कराते थे ऑटो लेवल से, तो वहाँ पे हम बेंचमार्क मान लेते थे कि जो आपका जो पेड़ का चबूतरा है, वहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ है उसका चबूतरा है गोल, उसको हम मान लेते थे कि ये 10 meter ऊंचाई पर है समुद्र तल से, एज्यूम कर लेते थे, और उसको बेंचमार्क मान के हम ग्राउंड का सर्वे करते थे। तो ये होता है आर्बिट्रेरी आपका मार्किंग, बेंचमार्किंग। एक होती है टेम्परेरी। टेम्परेरी में क्या हुआ, जब मैं सर्वे कर रहा था उस बेंचमार्क को मान के, पेड़ के चबूतरे को बेंचमार्क मार के रेफरेंस, क्योंकि वो तो जाएगा ही नहीं, कल को दूसरे स्टूडेंट को कराएंगे वो तो बेंचमार्क फिक्स रहेगा। तो जब मैं अगले दिन जब लेवलिंग उन्हीं स्टूडेंट को करना था, तो जहाँ पर उन्होंने ख़त्म हुआ है वहाँ पर ही कोई वॉल आ गई, तो वहाँ पर मार्किंग कर दी, एक टेम्परेरी बेंचमार्क ले लिया, तो वो होता है आपका टेम्परेरी। अगले दिन फिर स्टार्ट वहीं से आपने वर्क स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से आर्बिट्रेरी और आपका एक टेम्परेरी बेंचमार्क होता है, इनका फिगर भी होगा, देखो ये है आर्बिट्रेरी। जब यहाँ पे इन्होंने सर्वे स्टार्ट किया ग्राउंड में, तो एक वॉल थी और यहाँ पे कुछ निकला हुआ है स्ट्रक्चर, तो इसी को मान लिया बेंचमार्क। और यहाँ पे देखो सर्वे करते करते ये यहाँ पे पहुंचे, तो इस स्ट्रक्चर पे मार्किंग कर ली बेंचमार्क की टेम्परेरी, कि अगले दिन जब आएंगे तो यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे तो इसके रेफरेंस पॉइंट से ले लेंगे हम। इसके बाद आता है, जब अगर मैं आपसे बोलूं कि जाओ ऑटो लेवल ले लो, ट्राईपोर्ट ले लो और स्टाफ ले लो और जाओ ग्राउंड में लेवलिंग करो, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ट्राईपोर्ट को सेट करना। ट्राईपोर्ट इस तरीके का होता है, तीनों लेग उसके आपस में बंधे होते हैं, उनको ओपन करोगे और तीनों को अलग अलग करोगे डिस्टेंस पे, ठीक है। यहाँ पे स्क्रू लगा होता है, इसको अपनी हाइट के, जो सर्वेयर जो रीडिंग देखेगा वो अपने हाइट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करता है, कि वो इजिली उसमें ऑटो लेवल में अपनी आंखों से रीडिंग को देख सके। तो ट्राईपॉड की हाइट लेके तीनों जो उसके लेग है उनको जमीन में गाड़ देते हैं, थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे, हैंडल होता है यहाँ पे ऐसे, और पैर से आप प्रेशर लगाओगे यहाँ पे तो जमीन में चला जाता है। तो तीनों लेग को एक इक्वल डिस्टेंस पे खोल के आपने ट्राईपॉड को सेट कर दिया। अब ट्राईपॉड को सेट करोगे तो जरूरी नहीं है ये जो ट्राईपॉड का जो ये बेस है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को लगाओगे ये प्रॉपर हॉरिजेंटल हो सकता है ये कैसा हो, हल्का सा टिल्ट हो ऐसे। और जब इंस्ट्रूमेंट इस पे आप रखोगे तो इंस्ट्रूमेंट भी टिल्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये आई से विजिबल नहीं है, ये जो टिल्टिंग है ना आई से विजिबल नहीं है। आई से विजिबल होता है वो तो थोड़ा बहुत आप कर ही लेते हो उसे एडजस्ट, लेकिन ये इतना कम टिल्टिंग है कि एरर आ जाएगा रीडिंग में और ये दिख भी नहीं रहा आंखों से। तब क्या करते हो, इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ स्क्रू होते हैं, उनको घुमाओगे तो इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिक ही आपका सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ें एडजस्टमेंट है। टेम्परेरी एडजस्टमेंट का मतलब है कि आपने इंस्ट्रूमेंट को ए पॉइंट पे रखा और ये सारी टेम्परेरी एडजस्टमेंट की, और जब उठा के इंस्ट्रूमेंट को आप बी पॉइंट पे जाओगे तो दोबारा से ये सारी करनी पड़ेंगी, इसलिए इनको बोलते हैं टेम्परेरी। तो ये क्या बोल रहा है, सेटिंग अप लेवल, यही जो मैंने बताया स्क्रू से सेट करना है लेवल को। लेवलिंग ऑफ टेलीस्कोप, अब टेलीस्कोप के पास बबल लगा होता है, बबल भी सेंटर में होना चाहिए, स्क्रू करके हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। फोकसिंग ऑन आई पीस, जब यहाँ से आप इंस्ट्रूमेंट को आई यहाँ से लेंस को देखोगे तो यहाँ से फोकस क्लियर होने चाहिए और जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है वो भी क्लियर होने चाहिए। तो ये चार पॉइंट आपको करने होते हैं टेम्परेरी जब ए पॉइंट पे आप रखोगे। इसमें एक और आपका मिसिंग है, सेंटरिंग मिसिंग है इसमें, एक सेंटरिंग और होता है, यानी कि जहाँ पे आपने ट्राईपॉड को रखा है वो पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ पे होगा ना वो पॉइंट, यहाँ से प्लम्ब बॉब को डालोगे, हैंग करोगे प्लम्ब बॉब, ये पॉइंट बताएगा यहाँ पे मार्किंग कर दोगे, ये ए पॉइंट बन जाएगा, इसको बोलते हैं सेंटरिंग। और ऑटो लेवल को हॉरिजॉन्टल बनाना उसको बोलते हैं लेवलिंग, है ना, और टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल बनाना उसको टेलीस्कोप लेवलिंग। फोकस, इस वाले लेंस को फोकस करना, ऑब्जेक्ट इस वाले लेंस को फोकस करना, ठीक है। चार तरह की स्क्रू होते हैं, सब चीज़ों को करने के लिए स्क्रू को घुमाना होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो देखना होता है किस तरफ से हमें सही से करना है। वही चीज दी हुई है, देखो फिक्सिंग इंस्ट्रूमेंट, देखते हैं कोई फिगर दिया हो, ये आपका ट्राईपॉड है, ट्राईपॉड यहाँ से और लेंथ इसकी इंक्रीज हो जाती है स्क्रू को लूज करके, तो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप इसको इसकी हाइट रख दोगे,
अब जो मैंने बताया था कि आपका ट्राईपोड का जो बेस है वो टिल्ट है, इंस्ट्रूमेंट को ठीक करना है तो क्या करना होगा, आपने देखा होगा पीछे जब इमेज देखी होगी ओटे लेवल का, जो बेस प्लेट है वो ट्राइंगल शेप में है, तो ट्राइंगल शेप में यहाँ पे तीन स्क्रू होते हैं और तीन स्क्रू में बीच में यहाँ पे बबल ट्यूब लगी होती है, बबल जो होगा वो सेंटर में आना चाहिए, तो ये आपका हॉरिजेंटल हो जाएगा। सेंटर में आने के लिए इन तीनों स्क्रू को घुमाना होता है, पहले आप इन दो स्क्रू को घुमाएंगे, ये जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ ना कि दो स्क्रू घुमाएंगे, ये प्रैक्टिकली इजीली समझा जा सकता है, और इंटरव्यू में जो एक्सटर्नल आता है वाइवा के लिए सबसे पहले क्वेश्चन उसका ये होता है कि ये लो ये रखा हुआ इंस्ट्रूमेंट, इसको लेवल करो। अब बच्चे इतना ईजी है इसको लेवल करना, स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होते हैं इसमें, आप बताना आप समझे नहीं समझे। आपका मेन एम क्या है कि बबल सेंटर में आना चाहिए, अभी बबल आपका यहाँ पे है, इसको सेंटर में लाना है। तो सिंपल मेथड है कि आपको ए और बी स्क्रू को जब आप है ना इस इंस्ट्रूमेंट को रोटेट करोगे तो बबल ट्यूब रोटेट नहीं होती, तो आपको बबल ट्यूब को इस तरह से रखना है कि वो ए और बी के स्टेट के पैरेलल हो, तो रख दी हमने रोटेट करके हो जाएगी वो, तो फिर ए स्क्रू को और बी स्क्रू को एक ही डायरेक्शन में घुमाओ, जब एक ही डायरेक्शन में इन डायरेक्शन में आप घुमा रहे हो अंदर की डायरेक्शन में, अगर बबल मूव नहीं हो रहा है तो फिर आउटर करके देखो फिर आउटर में अगर मूव हो रहा है, जब तक आप रोटेट करना है इन या आउट, जब तक सेंटर में ना जाए बबल, बबल सेंटर में आ गया फिर आपको इस पूरे ट्राइपॉड को इसको इंस्ट्रूमेंट को रोटेट करना है और आपका जो बबल ट्यूब यहाँ आ जाएगी अब, ठीक है। ए और बी को आप घुमा चुके हो, अब आपको सी को रोटेट करना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जब तक इसका बबल सेंटर में ना जाए, यहाँ पर तो बबल सेंटर में आ गया था, जैसे ही आप इसको रोटेट करोगे बबल फिर हिल जाएगा, तो बबल सेंटर में ना आ जाए तीसरे पॉइंट को घुमाना है, बस इतना करना है। एक बार दो पॉइंट को घुमाना है स्क्रू को, बबल सेंटर में लाना है, फिर 90 डिग्री इंस्ट्रूमेंट को घुमा के फिर तीसरे पॉइंट से बबल को सेंटर में लाना और आपका ये लेवल हो जाएगा। ये इतना सा समझ में नहीं आता किसी स्टूडेंट को, और इंटरव्यू में या फिर वाइवा में प्रैक्टिकल वाइवा में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये देख रहे हो ये रहे तीन स्क्रू, ये रहे एक इसके पीछे स्क्रू, ठीक है। तो ये था इंस्ट्रूमेंट के बारे में और आपको बैक साइड फोर साइड पता चल गया। अब इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो लंबे चलेंगे, बहुत टफ न्यूमेरिकल है, टफ नहीं है, कंफ्यूजन भरे हैं, तो प्लस माइनस कैलकुलेशन आरएल निकालना होता है, बस थोड़ी सी प्लस माइनस कंफ्यूजन है, वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अगली बार नेक्स्ट लेक्चर में उसको करेंगे, टाइम ओवर हो चुका है। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ ले। प्रैक्टिकल का देख रहे हैं, हो सकता है आपको वीडियो मिले केवल या फिर ऑनलाइन कराई जाए, क्योंकि अभी फिजिकली तो कॉलेज खुलेंगे नहीं, जब गवर्नमेंट अलाउ कर देगी तब हो जाएंगे, ठीक है। अभी इसका तो मैं भी अच्छा हाँ बताओ, नहीं आवाज समझ में नहीं आ रही। हाँ ये सारे इंस्ट्रूमेंट लैब में है और इनका ऑनलाइन भी किया जा सकता है, 3D बना के है, एक वर्चुअल लैब है वहाँ पे शायद हो सकता है, या सर्वेइंग का है या नहीं पता नहीं अभी मुझे, वहाँ पे होगा अवेलेबल तो वहाँ पे करा देंगे, या फिर हम वीडियो बना के मैं खुद परफॉर्म करके वीडियो बना के भेज दूँगा आपको, अभी तो यही पॉसिबल है दो तरीके, और जब क्लासेस स्टार्ट होंगी आप कॉलेज आना स्टार्ट करोगे तब तो आपको फील्ड में करना ही होगा, ठीक है। क्या चल रही है ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर भी है मेरा, इसको लीव करते हैं।